हाय ओके गाइस, तो कोक स्टूडियो बांग्ला का एक फिर से ट्रैक आउट हो चुका है। मैं सबसे पहले आप लोगों से शुक्रिया कहना चाहूँगा, क्योंकि इस सीज़न के मैंने कोक स्टूडियो बांग्ला के जितने भी ट्रैक्स पे वीडियो किया है, आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। तो उसके लिए बांग्लादेश के लोगों से, मतलब जहाँ के भी लोग देख रहे हैं, दुबई के, सबको मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपसे कैसे शुक्रिया कहूँ, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट आपने किया है। तो फिर से एक नया ट्रैक आ चुका है, हम इस ट्रैक के बारे में बात करते हैं। तो ट्रैक का नाम है हे संभालो। इस ट्रैक को क्यूरेट किया है, इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है, म्यूज़िक अरेंज किया है, और भी म्यूज़िक के बारे में जितना भी काम, मेन काम है, वो सब कुछ किया है शान चौधरी अर्नोब साहब ने। शॉर्ट लफ्ज़ों में कहूँ तो कोक स्टूडियो बांग्ला जाना जाता है फ्रेश म्यूज़िक के लिए, इनके कल्चर झलकता है इनके म्यूज़िक से। तो वो सारा म्यूज़िक का काम शान चौधरी अर्नोब साहब देखते हैं। तो मैं क्या कहूँ, इस बार का म्यूज़िक मैं बहुत ही ज़्यादा मैं हैरान हो जाता हूँ। इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइव प्ले करते हैं, मतलब इतना फ्यूजन होता है सारे इंस्ट्रूमेंट्स का, मैं हैरान हो जाता हूँ। एक फ्रेशनेस सी होती है म्यूज़िक में जो हमें आजकल सुनने को नहीं मिलता। आजकल बहुत ही कम हो रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन इनके म्यूज़िक में एक ही गाने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। तो मैं सुनता हूँ इनके लिए, ज़्यादा मज़ा आ जाता है इनका काम देखकर। इस पूरे सीज़न का काम यही देख रहे हैं। और इस ट्रैक को लिखा है और कंपोज किया है सलील चौधरी साहब ने, और इनके अलावा क्रेडिट्स की टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिक्स मास्टर किया है। 10-15 लोग हैं जिन्होंने म्यूज़िक को मिक्स मास्टर किया है। साउंड इंजीनियर्स हैं जिन लोगों ने वोकल्स दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए हैं। सबका नाम तो मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता, अगर मैं सारे क्रेडिट्स पढ़ूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि शान चौधरी अर्नोब साहब के भी वोकल्स इसमें यूज़ किए गए हैं, और भी बहुत सारे लोगों के वोकल्स यूज़ किए गए हैं। तो सारे क्रेडिट्स मैं नहीं पढ़ सकता, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने आपको मेन क्रेडिट्स बोले कि ट्रैक में किन लोगों का हाथ है, और वोकल्स में इस बार हमें शान चौधरी अर्नोब साहब के वोकल्स सुनने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो मैं करूँगा इस ट्रैक पर रिएक्ट, दूंगा आप लोगों को अपने रिव्यूज़। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पर मैं ट्रैक को रेट करूँगा आउट ऑफ 5 स्टार्स इन डिफरेंट कैटेगरीज़। ऑडियो को मैं अलग आउट ऑफ 5 रेट करूंगा और वीडियो को मैं अलग आउट ऑफ 5 रेट करूंगा। कभी कभी क्या हो जाता है कि मैंने एक वीडियो देखी है इस सीज़न की जो आउटडोर शूट की गई है, मतलब स्टूडियो के बाहर शूट की गई है, तो उसमें काफ़ी मज़ा आ गया था। ऐसे भी मज़ा आ जाता है, तो मैं रेट करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार्स। अभी तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, रेटिंग भी काफ़ी सही चल रही है इस सीज़न की। तो अब ये वाला ट्रैक हम देखते हैं। ये ट्रैक थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंट हैं। मुझे लगता है, मैंने थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ था कि ये ट्रैक इंस्पायर है किसी ट्रैक से। बहुत सारे ट्रैक्स इस सीज़न में ऐसे हैं जो किसी ट्रैक से इंस्पायर हैं, पुराने बंगाली ट्रैक से इंस्पायर हैं, लेकिन ये वाला भी वैसा ही होने वाला है। वैसा मुझे कुछ दिखा है, मैंने अच्छी तरह तो नहीं पढ़ा सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील हुआ वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे करते हैं इस ट्रैक पे हम रिएक्शन शुरू। लेकिन आप लोगों का काम बस एक है, जैसे आप लोग सपोर्ट बनाए रख रहे हो वैसे ही चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो, प्यार बनाए रखो, सपोर्ट बनाए रखो। 5K होने वाले हैं, तो इस वीडियो से आप इतना सपोर्ट करो कि 5K इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाने चाहिए हमारे। और मैं आपको एक बात कह दूं कि इस सीज़न मुझे जब से अवेयर हुआ हूँ मैं इस सीज़न के बारे में, तब से मैं इस सीज़न के सभी ट्रैक्स पे कोक स्टूडियो बांग्ला के इस सीज़न के ट्रैक्स पे रिएक्ट कर रहा हूँ। तो आप लोग उन वीडियोस को भी मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो, उन वीडियोस को भी आप लोग देखो। बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा मेरा अच्छा इस सीज़न को सुनने के बाद, काफ़ी मज़ा आ गया। तो अब हम इस वाले ट्रैक पे सीधे जंप करते हैं, ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड पर मैंने आपको कहा रेटिंग देखकर ज़रूर जाइएगा, पूरी वीडियो का आउटकम वहीं पर निकलता है। और अगर ट्रैक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तो हम ट्रैक को सुनते सुनते भी ट्रैक के बारे में थोड़ा डिस्कशन वहीं पर कर देंगे। ओके, करते हैं ट्रैक पर रिएक्शन शुरू। कोक स्टूडियो बांग्ला सीजन 1। ओके, डिफरेंट स्टार्ट। मैंने आपको कहा कि कल्चर झलकता है, आप लोग देखिए किस तरीके का म्यूजिक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पहली बार देख रहा हूं मैं। हे संभालो, ट्रैक का नाम यही है। Nice composition.
बहुत ही प्यारे तरीके से सबकी वोकल्स ब्लेंड हो रहे हैं, बहुत ही प्यारा। आहा, नाइस। इस वाले इंस्ट्रूमेंट को कैसे कंपोजिशन के साथ फिट किया है। आहा, अरेंजमेंट बहुत ही प्यारा, मिक्स मास्टर बहुत ही प्यारा किया गया है। ओके, साथ साथ में मैं कैप्शंस भी पढ़ रहा हूं ताकि लिरिक्स में समझ पाऊं। आहा, नाइस। अपने बांग्लादेश की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने कल्चर के बारे में, अपना डांस, अपनी ज़बान। सबके वोकल्स ब्लेंड किए गए हैं, सोलो वोकल्स किसी के नहीं हैं। अर्नब साहब, ओके गाइस, तो मैंने आपको कहा था कि म्यूजिक प्रोडक्शन आप लोग चेक करना, इनका कल्चर, इन लोगों का कल्चर झलकता है उसमें से। तो शान चौधरी, अर्नब साहब की मेहनत पूरी दिखती है इसमें। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे ब्लेंड किए हैं कंपोजिशन के साथ, कैसे साथ में चल रहे हैं, क्योंकि जब वोकल्स बंद हुए तो वो माउथ ऑर्गन आया, कंपोजिशन के साथ कैसे ब्लेंड किया उसे, फिर फ्लूट आया, वो भी बिल्कुल ही मैच कर रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था साथ में। और सोलो वोकल्स किसी के भी नहीं हैं, मतलब सारे ग्रुप में गा रहे हैं, सबके वोकल्स इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि 10-20 लोग गा रहे हैं लेकिन एक आवाज़ सुनाई दे रही है, इतना प्यारा लग रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त कंपोजिशन, और लिरिक्स भी मैं देख रहा हूँ, कैप्शंस की तरफ भी मेरा ध्यान है, तो एक बहुत ही प्यारी चीज़ पर डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात हो रही है। और मैं समझ गया कि अच्छे म्यूज़िक की कोई ज़बान नहीं होती, आप लोग फील कर सकते हो इस चीज़ को, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त यार, मुझे बहुत ही सही लगा। इस ट्रैक की कंपोजिशन बहुत ही सटल है, ऐसी नहीं कि आप सुन के कहोगे कि बहुत ही ऊपर हरकतें वाली हैं, इसमें हरकतें बहुत इस कंपोजिशन में, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़बरदस्त कंपोजिशन, सटल है लेकिन अच्छी है। आगे देखते हैं। हाँ, पूरा पलट दिया वहां पे। ये ट्रैक बाकी सब ट्रैक से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी ट्रैक्स में कहीं ना कहीं पार्ट में सिंगल वोकल, सोलो वोकल्स आ जाते हैं, इसमें नहीं आए, डिफरेंट। अर्नब साहब की वोकल्स में पहचान रहा हूं। हाँ,
यार इतना अच्छा अरेंज किया इस गाने को, सलूट है मेरा अर्नब साहब के लिए यार, बहुत ही प्यारा काम किया है म्यूजिक पर, बहुत ही प्यारा काम। डिफरेंट, रियल मैजिक, सच में मैजिक क्रिएट करते हैं ये लोग यार। ओके गाइस, तो पूरा ट्रैक हमने सुन लिया है। मैंने आपको ट्रैक सुनते सुनते ट्रैक के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मुझे ट्रैक मतलब कैसा लगा, आप लोग वो समझ ही गए होंगे। अब मैं फिर से वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहूँगा, फालतू में वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो कुछ पॉइंट्स में फिर से मैं रिकॉल करना चाहूँगा, फिर सीधे हम रेटिंग पर आते हैं, ओवरऑल ट्रैक की रेटिंग पर आते हैं। मेरे ओपिनियन के बारे में मैं आपसे बताऊँगा कि मैं इस ट्रैक को कितना रेट करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आपको कह दूँ कि इस ट्रैक में डिफरेंट मुझे क्या लगा। एक तो जितने भी ट्रैक्स आ रखे हैं कोक स्टूडियो बांग्ला के, तो ग्रुप वोकल्स तो बहुत सारे ट्रैक्स के पार्ट्स में आए, लेकिन पहली बार मैंने पूरा गाना सुना, 6 मिनट का गाना, लेकिन इसमें सोलो वोकल्स किसी के भी नहीं आए। मतलब पूरा 6 मिनट का गाना म्यूजिक सेगमेंट्स थे और पूरे ग्रुप वोकल्स हमें सुनने को मिले, और बहुत ही प्यारे तरीके से ब्लेंड किए थे वो वोकल्स साथ में। म्यूजिक प्रोडक्शन तो हेड्स ऑफ यार, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है शान चौधरी अर्नोब साहब ने। वोकल्स में तो सारे आर्टिस्ट का मैं तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि सबका बहुत ही बेहतरीन पिकअप था, सबका बिल्कुल बिल्कुल जॉइंटली आ रहे थे, कोई भी नहीं लग रहा था किसी की वॉइस ज़्यादा सुनाई दे रही है, किसी की कम या किसी की डिफरेंट वॉइस है, बिल्कुल वो 10-15 लोगों की एक वॉइस हमें सुनाई दे रही थी। तो उस चीज़ में तो सब की तारीफ करनी होगी, लेकिन एक इंसान है अर्नोब साहब जिन्होंने अरेंज किया है, मिक्स मास्टर बहुत लोगों ने किया है, अरेंज किया है, प्रोड्यूस किया है, मतलब क्यूरेटेड बाय, बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक प्रोडक्शन, उनकी तारीफ होनी चाहिए। कंपोजिशन बहुत ही प्यारी थी, काफ़ी सटल थी, मैंने आपको कहा। तो ओवरऑल ट्रैक की ऑडियो को मैं दूंगा नो डाउट 5 stars out of 5, बहुत ही डिफरेंट ट्रैक, बहुत ही सही ट्रैक। ओके गाइस, तो वीडियो के बारे में बात करूं तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि वीडियो ये स्टूडियो के अंदर ही बनाते हैं, एक वीडियो बाहर ले गए थे, लेकिन इनमें भी काफ़ी सही फील होता है। आप देखें, जो इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाई दे रहा है वही प्ले हो रहा होता है सामने, आप विजुअल्स, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता उस बारे में, आपको डायरेक्ट फील, डायरेक्ट कनेक्ट कर लेते हो आप वीडियो के साथ, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुनाई दे रहा है, वही सामने बज रहा है, तो मज़ा आ जाता है। वैसे मैं ऐसा फील करता हूँ कि ऐसी वीडियो इस तरीके की ट्रैक के ऊपर, इस तरीके की ऑडियो के ऊपर बहुत ही फिट बैठता है। तो वीडियो से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, जैसा ये ट्रैक है, जैसा ये सब कुछ एनवायरनमेंट ये क्रिएट करते हैं, उस हिसाब से बिल्कुल सूट करती है इस तरीके की स्टूडियो वीडियो। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।